अवलंबनीय महत्व के प्रश्न पर मनरेगा जो गारंटी है उस पर बहस हो रही है और मंत्री महोदय ने जो अपना वक्तव्य पेश किया उसके अंदर करीबन करीबन वो सारी बातें आ गई जो इस देश के अंदर मनरेगा रोजगार जो है वो अभी चल रहा है और आगे किस दिशा के अंदर उनका रूप लेंगे ये सारी बातें मंत्री जी विकास मंत्री जी ने ग्रामीण विकास मंत्री जी ने अपने वक्तव्य मैं अध्यक्ष महोदय जब यूपीए सरकार ने 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल के तहत इस देश के अंदर जो भी ग्रामीण परिवार है उस ग्रामीण परिवार जो गरीब और जिनको स्थानीय लेवल पे काम नहीं मिलता हो उन लोगों को काम देने के लिए 100 दिन की गारंटी हर व्यक्ति को दी गई और उसके अंदर धीरे धीरे जब हम यूपीए गवर्नमेंट के कार्यकाल की समीक्षा करें और ऑल ओवर हिंदुस्तान के अंदर जिन ब्लॉक्स के अंदर ये काम चल रहे हैं और उन ब्लॉक बात यदि हम देखें तो जितना बजट रखा जाता है स्टार्टिंग के अंदर जब इस योजना को लागू किया गया तो मैं समझता हूं कि 40,000 करोड़ बजट रखा गया था मगर धीरे 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 जब 2012 और 13 का अवलोकन करते हैं तो वो नीचे आके 33,000 पे अटक गया और 2013-14 का जो बजट यूपीए सरकार ने रखा था वो बजट धीरे धीरे नीचे आके 33,000 पे और अटक गया और उसके अंदर जितने 100 दिन की गारंटी जिस मजदूर को आपने दी थी वो गारंटी केवल 46 दिनों पे आके सीमित रह गई। मैं इस वक्त पर यह निवेदन करना चाहूंगा हमारे मंत्री महोदय से कि जो भी आज आपने अभी चल रहा था हमारी अभी जो गवर्नमेंट है वो उन गरीब लोगों का पुख्ता ख्याल रखते हुए आप 100 दिन का यदि हम 100 दिन का काम देना चाहते हैं तो वो गरीब को 100 दिन का काम मिले ये आइडेंटिफाई आप पूरी जिलों का जो ब्लॉक्स है पूरे हिंदुस्तान के अंदर और मैं राजस्थान की बात करना चाहता हूं। राजस्थान के अंदर हम 2-3 तरह भौगोलिक स्थितियों के अंदर बदले हुए हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर जैसी जैसा एरिया वैसा काम यदि हमें आज हो सकता है कि आज सड़कें के बनाने के अंदर अर्थवर्क का काम हुआ है नाडियां बनाई गई नाडियों के जिस प्रकार के काम होने चाहिए थे वो मतलब पूरे के पूरे बिना बिना प्लान जो सारे नाडिये तालाब जो हमारे पानी दो एक एक साल बरसात का पानी दो दो साल रहता था उस पानी को वो तालाब खोदने के तले ट्यून की चली गई और जब अपन पैदा करना चाहते थे अरेंजमेंट करना चाहिए था वो मतलब धीरे धीरे उस मतलब तलेटी खोदने से पानी मतलब आता है और चला जाता है। मैं ऐसे ऐसे काम के लिए आप ऐसा व्यवस्था कीजिए जिसके अंदर जो हमारा किस काम के लिए हम काम लेना चाहते हैं वो पुख्ता काम हो चाहे तालाब हम लेना चाहते हैं नरेगा के अंदर तो नरेगा के अंदर उनके तलेटी के अंदर या तो हम विच्छेद करें क्योंकि एक नेचुरल ये बात है कि पानी यदि हम उनको सीमेंट या मतलब जिस प्रकार से उनको रखना चाहते हैं तो पानी वो गंदा हो जाता है और नेचुरल जो मिट्टी के आधार पर यदि उसको पानी तालाब के अंदर रखना चाहते हैं तो पानी वो ठीक से रहता है। मैं इसलिए कहना चाहूंगा जो सड़कें वगैरह इसके अंदर बनाती जाती है जो कंपोनेंट अभी बता रहे थे भाई हमारे लोग मैं दो मिनट कंपोनेंट वाली बात
मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से, ये प्रैक्टिकल और जमीनी स्तर पर यदि आप उनको काउंट करेंगे तो जो 60-40 का जो रेशियो है, ये 40 का रेशियो आज आप देखते हैं, मजदूरी से ज्यादा मेटेरियल पर पैसे लगते हैं। आज इंडेक्स बढ़ गई, आज आपके जो मतलब सीमेंट आज जिस हिसाब से मिल रही है उनका दोगुने भाव हो गए, स्टील वगैरह या पत्थर वगैरह या जो स्किल्ड लेबर है वो यदि उनका यदि अपन रेशियो निकाले तो ये मतलब रेशियो 40-35% सामग्री होती है। आप मतलब नहीं तो क्या होता है, गांव के अंदर सरपंच लोग ठेकेदारी का काम करते हैं और मतलब सारे के सारे मिस्टॉल जो है जिस प्रकार से वो बढ़ते हैं, अपन ये स्थिति करके कि 60-40 का रेशियो के अंदर आप काम कीजिए, वो काम कर लेते हैं मगर काम करने के अंदर वो मिस्टॉलों के अंदर जो अंदराज करते हैं सभापति महोदय, वो मतलब गलत अंदराज करते हैं, वो केवल वो लिप्त रहते हैं प्रकाश से, मतलब उन्होंने जोड़ भाग गुणा भाग करके वो सारा मामला तो कर दिया मगर जब तक आप सामग्री के पैसे नहीं बढ़ाओगे तो गांव के अंदर भ्रष्टाचार और मतलब और ज्यादा पनपता रहेगा। और मैं इस मौके पर आपसे और भी निवेदन करना चाहूंगा कि निगरानी सुप्रीजन आज मतलब जो है मनरेगा के अंदर जिस प्रकार का करप्शन, जिस प्रकार के आज मतलब सरपंच लोग गांव के अंदर एक दादागिरी के आधार पर अपने लोगों को लगाना, गोइंग बाय 5 मिनट्स ओनली, 5 मिनट तो प्लीज मैं, आपके मैं ये जो कंपोनेंट रेशियो वाला 60-40 का मैं आप मजदूरों का ज्यादा दीजिए मगर जो सामग्री है वो उनकी रेट बढ़ गई है और उनकी रेट बढ़ने के हिसाब से उनका मतलब रेशियो बदला जाए। और साथ ही जो मतलब पैसे रेटें बढ़ गई और आपका बजट कम होता जा रहा है तो जो एक मनरेगा का जो मंच था आपका वो मानस मतलब आज नहीं रहा है। मैं इतना करना चाहता हूँ, धन्यवाद। थैंक यू मैम।